अच्छा किस तरफ जा रहा है सुभाष पार्क? अब काउंटिंग होगी तो मालूम हो जाएगा किधर जा रहा है। कहीं टीजर तो नहीं था सुन? नहीं नहीं, ये गुप्त मतदान था। नहीं वो तो मैं सवाल ही गलती कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सुबह वाला कहीं टीजर तो नहीं था कि सुन? नहीं नहीं ऐसा दिखा दिया नहीं, ऐसा कुछ है ना। वो तो देखिए चुनाव पर्चा जिस दिन चुनाव आयोग ने सूचना जारी की और प्रत्याशी घोषित हो तो उसी दिन तय हो गया, लड़ने वाले एक जीतने के लिए तय हो गया, एक हारने के लिए तय हो गया, दोनों मान गए थे कि हम जीत जाएंगे और मान गया कि हम हार जाएंगे। हाँ तो लेटर वगैरह लिखा है आपसे भी सुनो, मिलने आए थे कल कार्यालय में, रिक्वेस्ट करी अंतरात्मा रही इसकी? नहीं नहीं वो यही तो बात है ना कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन करके वोट नहीं मांग सकते और बयान इस तरह का दे रहे हैं जैसे लगता है कि बचपन में बच्चे खेलते हैं खेल। याद होगा राष्ट्रपति के चुनाव में जब हमने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया था, दलित को वोट दिया था, तब बड़ा विरोध किया था अखिलेश यादव ने मेरा, है ना? तब वो सिन्हा जी को लेकर खड़े हो गए, तब दलित प्रेम नहीं जगा और आज अति पिछड़ा प्रेम जग रहा है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए 5 साल CM थे नहीं कर पाए, एक बार भी सदन में बयान नहीं आया, विधानसभा में साल भर से ऊपर हो गया ना MLA हुए, एक बार भी बयान नहीं आया इसको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी 257 पद पिछड़ों का लूटा गया, एक बार भी मुख्यमंत्री को फोन करके पूछने की हैसियत नहीं है। पिछड़ों के नेता बनते हो, दलितों के नेता लोग बनते हैं, प्रत्याशी से क्या मतदान तालुकात उसका है? हाई कोर्ट ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद लूटा गया, क्या इस मामले को लेके मायावती जी, अखिलेश जी क्या मुख्यमंत्री से मिले? क्यों नहीं मिले? किस बात के लिए आप चिल्लाते हो कि हम पिछड़े दलित के नेता हैं? आप लोग मिलते कहते कि अन्याय हो रहा है, एक आप एक CM हो आप लोग जाओगे तो आप लोगों का महत्व होगा। मैं तो 3 बार जाके मिला, स्वीकार भी किया मुख्यमंत्री ने, यहाँ अधिकारियों ने गलती की है, हमके इसको पूरा कराइए।